हेलो गाइस, तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी आज मैं हूँ बेंगलोर और यहाँ पे मैं देखने आया हूँ टीपू सुल्तान महल। तो ये जो आप देख सकते हो एरिया मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का महल है और गर्मियों के दिनों में यहाँ पे जो रहा करते थे, क्योंकि ये टीपू सुल्तान ग्रीष्मकालीन महल है। अभी आप देख सकते हो मैं हूँ टीपू सुल्तान का जो ग्रीष्मकालीन महल है बेंगलोर के अंदर वहाँ पे, और मेरे पीछे आप ये जो महल है वो देख सकते हो। और इस महल का जो निर्माण है वो टीपू सुल्तान के पिता श्री हैदर अली उन्होंने करवाया था 1778 से 1784 ईस्वी में। और अभी हम इसके अंदर जाएंगे और अंदर का जो पूरा व्यू है वो आपको बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो ये महल है आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ऊपर से जो पिलर है वो है और काफ़ी सुंदर महल है। इस महल की एक खास बात ये है कि इसके दोनों तरफ आपको जो छत है वो देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे ये जो छत है वो देख रहे हो, बीच में महल है और उस साइड में भी आपको मैं बता दूँ तो उस साइड में भी आपको ये जो छत है वो देखने मिलेगी। तो अभी आप इस साइड में ये जो है अंदर जिस प्रकार से प्रवेश करते हैं अपने महल के अंदर, उसी हिसाब से आप यहाँ से जिस प्रकार से प्रवेश करोगे तो ये आगे छत है यहाँ पे, और ये छत है आगे ये जो है महल, और सेम डिजाइन उस साइड भी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अभी यहाँ से ऊपर जाऊँगा और ऊपर से आपको बताऊंगा कि अपोजिट साइड में जो किस प्रकार से इसका ये महल का जो व्यू है वो है। अभी मैं इसके ऊपर हूँ और ये जो ऊपर का जो महल है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से कमरे बने हुए हैं। और ये देखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो इस साइड में भी ये छत है, जो अपने मकान के आगे जो छत होती है उस हिसाब की जो छत है वो इस साइड में भी है। इस साइड से मैं अभी प्रवेश किया हूँ और इस साइड में भी आप देख सकते हैं ये जो छत है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस साइड में भी आप देखिए ये छत है, जिस प्रकार से ये महल है और महल के आगे जो छत होती है अपनी भाषा में कहे तो ओरी, तो इस साइड में भी ओरी है और इस साइड में भी ओरी है, तो दोनों साइड में सेम डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। तो इस महल की इससे ये खास बात है कि हवाएं चाहे इस साइड से आओ चाहे इस साइड से आओ, दोनों साइड से अगर हवा आएगी तो अपने आप हवा है जो कि पार हो जाएगी और यहाँ पर जो ठंड का माहौल है ठंड है जो कि महसूस होगी। और गर्मियों के दिनों में अगर जो हवा है वो इस साइड से आएगी तो आगे वह पास हो जाएगी और इस साइड से आएगी तो इस साइड में पास हो जाएगी, जिससे कि ये जो महल है वो ठंडा रहेगा। तो गर्मियों के दिनों को देखते हुए उस हिसाब से इस महल का जो निर्माण है वो टीपू सुल्तान ने करवाया है। और अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ ये जो नज़ारा है व्यू है वो है, काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो सामने जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी और इस साइड में भी आप ये देखिए जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। अभी मैं यहाँ पर ऊपर हूँ और मैं चाहूँ तो इस साइड से जिस प्रकार से चढ़ाऊँ, तो चढ़ने के बाद मैं इस कमरे के अंदर आया हूँ और फिर आगे इस साइड में ये कमरा है। दोनों तरफ से अगर आप घूम जाओगे तो आपको एक ही लगेगा, इस साइड में अगर आओगे तो आपको राइट साइड में ये जो उतरने के लिए जगह मिलेगी और उस साइड में जाओगे तो उससे भी राइट साइड में जो उतरने के लिए जगह है वो मिलेगी। तो अभी मैं दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में आया हूँ और यहाँ पर भी आपको ये जो इसी तरीके का व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो ये देखिए इस साइड में भी ये छत है जो कि आपको देखने को मिलेगी और सामने ये देखिए अपना जो फ्लैंग झंडा, और यहाँ पे आप देखिए जो छत है वो इस साइड में भी है, तो दोनों साइड में आप यहाँ पे जो छत है वो देख सकते हो। इस बात की ये जो खास बात है इस महल की, और अंदर और भी काफ़ी सारी जो पुरानी चीज़ें वो देखने को मिली, लेकिन उनका जो वीडियो और फोटो है वो लेने नहीं दिया, मना किया, तो हमने भी नहीं लिया है। आप जो सामने टाइगर देख रहे हो ये मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान का टाइगर है। और महल के आगे का जो गार्डन है वो इस तरीके से है। फिर यहाँ पर आप देखिए महल के अंदर प्रवेश है, आगे छत और अंदर जो कमरे है वो है। और इससे हम जब आगे जाएंगे तो मैं दूसरी तरफ से आपको बता दूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो पास से होके ये इसकी साइड है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी इस तरीके से है और राइट साइड में भी सेम डिजाइन है दोनों तरफ, और आगे और पीछे भी सेम डिजाइन है। आप किसी भी साइड से प्रवेश करो आपको दोनों साइड एक ही जैसा ये जो महल है वो देखेगा। तो अभी मैं इसकी जो बैक साइड है वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ से भी आपको दिखा दूँ, तो ये देखिए इसकी बैक साइड है, और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये सामने की साइड है और वो बैक साइड है। तो यहाँ पे ये छत है और आगे जो पीछे कमरे हैं वो है, और चढ़ने के लिए इस साइड में भी सीढ़ी है, उस साइड में भी है, दोनों साइड में कमरे हैं और अंदर ये इस तरीके से बना हुआ है। तो मैंने अभी आपको ये जो टीपू सुल्तान का महल है वो दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर बेंगलोर घूमना आए तो एक बार ये जो टीपू सुल्तान का महल है इसको ज़रूर विजिट करें, ज़रूर देखें, और यहाँ से भी चढ़ने के लिए इस प्रकार से ये जो बना हुआ है महल, तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं
और यहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा कि ये सत है। अभी हम बाहर की साइड में जा रहे हैं और वहाँ आप देखेंगे ये आगे वापस वही जो गार्डन है वो आ गया। मैं इसके चारों तरफ से घूमकर आपको बताया है। तो अभी हम जाएंगे बाहर और आगे नेक्स्ट लोकेशन है उस पर जाएंगे, वो भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो वहाँ जाके आप उसको भी देख सकते हैं आराम से। और अभी आप ये जो महल है इसके वापस सामने वाली साइड में आए हो तो यहाँ से भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा।